नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि एक इजी और फास्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जिसे कस्टमर को कम समय में चाहिए। अब देखिए, कोई भी आप रोड के थ्रू जाते हो तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक रहता है, नॉन स्टॉप ट्रैफिक रहता है। और कौन सा जो एक रूट है जहाँ पर एक लिमिटेड ट्रैफिक रहता है, जैसे रेलवे हो गया, वहाँ पर लिमिटेड ट्रैफिक आपको मिलता है, क्योंकि ट्रैक से जाती है, स्टेशन स्टेशन पर रुकती है, कहीं हाल्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो टाइम मैक्सिमम 2 घंटे 4 घंटा से ज़्यादा लेट नहीं होता है। लेकिन जो बाई ट्रांसपोर्ट, जो बाई रोड ट्रांसपोर्ट है, उसको बोल नहीं सकते, कहीं पर ट्रैफिक हो गया हो, कहीं पर जा रहा हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं टोल गेट आता है तो कहीं पर उसका पंचर हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें लेट करने के लिए मजबूर करती है। और जैसे और एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी आप लोग ट्रांसपोर्ट करते हो तो कस्टमर से ये भी, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, होस पाइप है या क्वांटिटी ज़्यादा है जो डैमेज होने वाला प्रोडक्ट है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोटेशन के नीचे जो है जो भी आपका वैल्यू आता है जीएसटी के बाद, तो 0.25% आपको इंश्योरेंस बोल के कोटेशन पे डाल देना चाहिए। तो मान लीजिए सर, हम ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके होज डैमेज हो जाता है या कोई भी मटेरियल डैमेज होता है, फिर कस्टमर नाराज होता है, बोलता नेक्स्ट टाइम से आपका बिजनेस नहीं करेंगे, है ना। तो आपको बने बनाए कस्टमर, आपने जिसे मेहनत किया, 10 बार कॉल किया 20 बार कॉल किया और बने बनाए आपको बिजनेस वहाँ पर जा करके आपको माइनस पॉइंट आ जाता है, फिर वह गलत आ जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट वाला भी आपका रिस्पॉन्स नहीं देता, और आप कैसे नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, आपने तो मटेरियल ऐसे अच्छा दिया। तो कोशिश करना चाहिए कि जो भी आप लोग प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, जो भी डिस्पैच पर्सन प्रोडक्ट जाता है डिस्पैच करने के लिए, उसका प्रोडक्ट प्रॉपर ढंग से फोटो लेना चाहिए, वीडियो लेना चाहिए, उस फोटो और वीडियो को एलर के साथ, वॉइस कॉपी के साथ आपको मेल में व्हाट्सएप में उसको अटैच करके दे देना चाहिए कि देखिए सर, आपका जो ये प्रोडक्ट है हम इस कंडीशन में आपको भेज रहे हैं। मान लीजिए होज पाइप है, आपने वीडियो बना के दे दिया, कल को होज पाइप जा करके आपको ऐसा क्लैप्स हो जाता है, ठीक है, ऐसा क्लैप्स हो जाता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। हमने तो मटेरियल करेक्ट भेजा, आपको वीडियो भी भेजा, इमेजेज भेजा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सेफ रहता। दूसरा क्या है, अगर और भी सेफ चाहिए सर, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो सर, तो आप एक थोड़ा सा और 0.25% खर्च करने में आपको क्या तकलीफ है। मान लीजिए 1 लाख रुपया का मटेरियल है, ठीक है, तो 1 लाख रुपया का 0.25% कितना आपको पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कितना करना पड़ेगा, 1250। तो आप 1 लाख रुपया में आप 1250 रुपीज आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते हो सर, कर सकते हो, ये आपको एग्री करना होगा। इससे क्या होगा, जैसे कि आपका मटेरियल जो है कुछ डैमेज होता है, तो इंश्योरेंस वाला जो है आपको उसका भरपाई करेगा। जैसे आपका गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस कवर कौन करता है, गाड़ी को सही कराने का इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। उसी तरह से आप कोई प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, आए दिन क्या होता है कि भूल करके भी गलत ट्रांसपोर्ट में आपको मटेरियल नहीं डालना चाहिए। इसे हो जो है जो भी वॉल्यूम मेटिकल रहता है वो डैमेज होने का ज़्यादा चांस रहता है। रेलवे में भी भूल के डालना नहीं चाहिए कि कुछ में बोगियाँ रहती है, उसमें डाल देता है मेटेरियल, वहाँ पर डैमेज होने का चांस रहता है। अगर उस तरह का है, अगर तो कस्टमर से आप जो है होज पाइप वालों को, तो मैक्सिमम आपको ये चीज़ इंश्योरेंस लेना चाहिए और इंश्योरेंस के थ्रू हमको काम करना चाहिए। आपके पास काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कराते हैं, और जो जितने भी ये ट्रांजेक्शन कराने वाले ट्रांसपोर्ट वाले सब इंश्योरेंस करा के दिन आपको 5 मिनट्स में दे देते हैं। तो ये चीज़ हमको मेंशन करना चाहिए ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे और कस्टमर आपके हमेशा बना रहे। तो आपने देखा कि इंश्योरेंस का महत्व क्या है ट्रांसपोर्टेशन में, ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए। जितने भी बिजनेसमैन है ये चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए,
नेक्स्ट टाइम से हर एक कोटेशन में आप जितना भी आपका टोटल जो आता है एक कॉलम नीचे ऐड करिए, लिखिए कि इंश्योरेंस या बॉक्स में लिखिए इंश्योरेंस इफ आर इंटरेस्टेड और इंश्योरेंस में तो टोटल वैल्यू का इतना परसेंट आपको पे करना होगा और आपका मटेरियल सेफ्टी से जाएगा। आपको भी टेंशन है सर, हमारा भी टेंशन है। कल जब मान लीजिए बाय रोड जा रहा है, वो बाय रोड ट्रांसपोर्ट में कोई आग लग जाती है या गाड़ी गिर करके हाईवे से नीचे चली जाती है, उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, सप्लायर क्या कर सकते हैं, बायर क्या कर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस आपका प्रोडक्ट का कराना चाहिए, ये कोटेशन हम लोग को मेंशन करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।